नमस्कार, मैं प्रिया धराधर 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। मुजफ्फरनगर और कैराना में गर्मी दिखा रहे लोगों की 10 मार्च के बाद गर्मी शांत करने और मई जून में शिमला बना देने की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पलटवार किया है। उन्होंने चुनाव आयोग से इसका संज्ञान लेने की बात करते हुए कहा कि भाजपा ने उन्हें गोरखपुर भेज दिया और इस वजह से उनमें गर्मी आ रही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में पूजा शुक्ला सबसे युवा प्रत्याशी बनकर उभरी है। पूजा शुक्ला की सियासत में राह यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को काला झंडा दिखाने का मामला सामने आया था। करीब 5 साल पहले सीएम योगी को काला झंडा दिखाने वाली पूजा शुक्ला को समाजवादी पार्टी ने लखनऊ नॉर्थ से उम्मीदवार घोषित किया है। पूजा शुक्ला की उम्र 25 साल है। डिजिटल ट्रांजैक्शन ने काफी हद तक लोगों का काम आसान कर दिया है, लेकिन डिजिटल ट्रांजैक्शन में हेरफेर कर एक शख्स ने करीब 7 से ज्यादा राज्यों के जौहरी और होटल व्यवसायियों को 25 लाख रुपए का चूना लगा दिया। दरअसल महाराष्ट्र के ठाणे जिले से एक व्यक्ति को अलग अलग राज्यों में कुछ जौहरी और होटल व्यवसायियों के QR कोड के साथ छेड़छाड़ करके 25 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। गौतम बुद्ध नगर जिले की 3 विधानसभा सीटों पर 10 फरवरी को मतदान होना है। इसके लिए 8 फरवरी तक प्रचार कर सकते हैं। ऐसे में अब प्रत्याशियों के पास प्रचार के लिए सिर्फ 1 सप्ताह से भी कम बच गया है, जबकि विधानसभा का एरिया काफी बड़ा है। ऐसे में सभी मतदाताओं तक पहुंचने में प्रत्याशियों के पसीने छूट रहे हैं। कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी की मोस्ट अवेटेड फिल्म भूल भुलैया 2 के फैंस के लिए गुड न्यूज है। लंबे समय से इस हॉरर कॉमेडी को देखने के लिए बेताब बैठे दर्शकों के लिए यह मेकर्स ने फिल्म को नई रिलीज डेट पर सिनेमाघरों में रिलीज करने का फैसला किया है। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद से अब तक 449 आतंकवादियों को मार गिराया गया है, जबकि केंद्र शासित प्रदेश में 541 आतंकवाद से संबंधित घटनाएं दर्ज की गई। ये जानकारी गृह राज्य मंत्री नित्यानंद रॉय ने राज्यसभा में दी है। नित्यानंद रॉय ने राज्यसभा सांसद नीरज डांगी को एक लिखित जवाब में बताया कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 के हटने के बाद से यानी कि 5 अगस्त 2019 से 26 जनवरी 2022 तक 541 आतंकी घटनाएं हुई हैं, जबकि 439 आतंकवादी मारे गए हैं और 98 नागरिक मारे गए हैं और 109 सुरक्षा बल SF शहीद हुए हैं। पार्टी में कई नेताओं के बीच मतभेद के बावजूद संगठनात्मक चुनाव में ममता बनर्जी फिर से TMC की चेयरपर्सन चुनी गई है। पार्टी के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने कहा कि बुधवार को 5 साल के बाद TMC में संगठनात्मक चुनाव हुए थे। TMC के महासचिव पार्थ चैटर्जी ने कहा कि ममता बनर्जी के खिलाफ कोई भी नहीं उतरा था, इसलिए उन्हें निर्विरोध पार्टी का अध्यक्ष घोषित किया गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने मंगलवार को राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में 15 से 18 साल के आयु के लाभार्थियों के बीच दूसरी खुराक कवरेज में तेजी लाने से संबंधित निर्देश जारी किया है। केंद्र ने यह भी कहा है कि पहली और दूसरी खुराक के बीच में गैप तय मानदंडों के हिसाब से ही हो। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण द्वारा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखे पत्र में कहा गया है कि मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप संबंधित अधिकारियों को 15 से 18 साल की आयु के लाभार्थियों के बीच दूसरी खुराक के कवरेज में तेजी लाने का निर्देश दें। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त बजट पेश करने के बाद कल मीडिया को संबोधित कर रही थी। इस दौरान उन्होंने यूपी टाइम्स का जिक्र किया। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने उस बयान के लिए वित्त मंत्री पर आज निशाना साधा। इसके लिए उन्होंने ट्विटर का सहारा लिया। आपको बता दें कि 10 फरवरी को पहले चरण के लिए वोटिंग होने वाली है, उससे पहले ही उत्तर प्रदेश की राजनीति गर्म है। कोरोना के मामले लगातार घट रहे हैं। बीते 24 घंटे में 1.61 लाख नए मामले सामने आए हैं। दैनिक पॉजिटिविटी रेट 9.26% के करीब है। इससे भी अधिक राहत देने वाली खबर रिकवरी रेट की है। केंद्र सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक कल 2.81 लाख से अधिक मरीजों ने इस महामारी को मात दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में 1,61,386 नए मामले सामने आए हैं। इस महामारी से रिकवर होने वालों की संख्या 2,81,109 है और अब तक देश में कुल 3,95,11,307 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में जुन्ना टावर के नाम पर विवाद के बाद इसे तिरंगे में रंग दिया गया है। इसके पास अब राष्ट्रीय ध्वज फहराने की व्यवस्था की जाएगी। गुंटूर पूर्व के विधायक मोहम्मद मुस्तफा ने कहा कि विभिन्न समूहों के अनुरोध पर टावर को तिरंगे से सजाने और टावर के पास राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए एक पोल बनाने का निर्णय लिया गया है। दिल्ली और यूपी समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में 26 जनवरी के बाद से जो सर्दी कुछ कम हो रही थी वो अब वापसी कर सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक बुधवार और गुरुवार को कई इलाकों में बारिश की संभावना है, इससे ठंड बढ़ने की संभावना है। यही नहीं, बुधवार की सुबह पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, त्रिपुरा और उड़ीसा समेत कई राज्यों में घना कोहरा छाया दिखा। सुबह 5:30 बजे भटिंडा में 1 मीटर दूरी तक देखना मुश्किल था। इसके अलावा देहरादून, लखनऊ, बहराइच जैसे शहरों में 25 मीटर तक की दृश्यता थी। हालांकि दिल्ली में 50 मीटर दूरी तक इसे देखा जा सकता था।
संसद के बजट सत्र का आज तीसरा दिन है। बीते सत्रों की तरह इस बार बजट सत्र भी हंगामेदार रहने के आसार है। विपक्षी दल सरकार को पेगासस, महंगाई, बेरोजगारी, चीन सीमा विवाद जैसे कई मुद्दों पर घेरने की तैयारी में है। बता दें कि कोरोना के चलते राज्यसभा और लोकसभा की कार्यवाही अलग अलग समय पर आयोजित हो रही है। अभी राज्यसभा की कार्यवाही जारी है। राज्यसभा में राष्ट्रपति और के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा चल रही थी। उत्तराखंड चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई है। भाजपा कांग्रेस दोनों दलों के दिग्गजों के महारथी प्रचार अभियान को धार दे रहे हैं। इसी कड़ी में आज कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा उत्तराखंड दौरे पर पहुंची। यहां उन्होंने दून में एक कार्यक्रम में पार्टी का घोषणा पत्र उत्तराखंडी स्वाभिमान प्रतिज्ञा पत्र जारी किया। अब वो 70 विधानसभा क्षेत्रों में वर्चुअली रैली को भी संबोधित करते देखी गई। उन्होंने चारधाम, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री को नमन कर अपने संबोधन की शुरुआत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आम बजट को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते देखे गए। आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था कार्यक्रम के तहत पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं को बजट के फायदे समझाए। पीएम ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तारीफ की। मोदी ने कहा कि कल निर्मला जी ने बहुत ही खूबसूरती से, बहुत ही अच्छे ढंग से बजट के कुछ पहलुओं को हमारे सामने रखा है। शैक्षणिक वर्ष के बीच में पेपर पैटर्न ऑब्जेक्टिव से सब्जेक्टिव में बदल दिया गया है और इस बात पर काफी छात्र और शिक्षक शिकायत कर रहे हैं। सबसे बड़ी चिंता ये थी कि बिना ऑफलाइन कक्षाओं के छात्र लंबे सब्जेक्टिव प्रश्नों को लिखने का अभ्यास कैसे करेंगे। छात्रों की मूल बातें ऐसे स्तर पर नहीं है जिसे वो बोर्ड परीक्षा में पूर्ण अंक प्राप्त कर सके। शहरीकरण ने जीव जंतुओं के जीवन को बड़े पैमाने पर प्रभावित किया। अपने प्राकृतिक आवास के बजाय शहरी क्षेत्रों में रहने वाले जीव जंतुओं को नए पारस्परिक तंत्र में अनुकूल स्थापित करने के लिए काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। दक्षिण भारत के शहरी क्षेत्र में प्रमुखता से पाई जाने वाली एक छिपकली राख अग्मा को ऐसी ही चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। भारत में कोरोना वायरस की तीसरी लहर के बीच टीकाकरण अभियान जारी है, जिसमें 15 से 18 आयु वर्ग के लगभग 60% आबादी को कोविड-19 वैक्सीन की पहली खुराक दी जा चुकी है। लेकिन इस समूह में टीकाकरण प्रक्रिया में आई धीमी गति को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने बुधवार को राज्य सरकारों को एक पत्र लिखा। पत्र में उन्होंने 15 से 18 साल के आयु वर्ष वाले किशोर लाभार्थियों के बीच दूसरी कोविड-19 खुराक में तेजी लाने का निर्देश दिया है। कोरोना वायरस के खिलाफ भारत के टीकाकरण अभियान के बीच बुधवार सुबह 7 बजे तक कोविड-19 टीकाकरण कवरेज की अंतरिम रिपोर्ट के अनुसार भारत का कोविड-19 टीकाकरण 167.29 करोड़ का आंकड़ा पार कर गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटे में कोविड-19 टीकों की 57 लाख से अधिक खुराक के प्रशासन के साथ ये आंकड़ा रिपोर्ट किया गया है। 2 फरवरी को विश्व वेटलैंड यानी कि आद्र भूमि दिवस मनाती है, लेकिन यह पहला मौका है जब विश्व वेटलैंड दिवस संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसका श्रेय बीते अगस्त महासभा में पारित एक प्रस्ताव को दिया जाता है। अंततः पूरी दुनिया ने इस तथ्य यानी कि टैगलाइन के महत्व को समझा कि वेटलैंड बंजर भूमि नहीं है। संसद के बजट सत्र का 31 जनवरी से आगाज हो गया है। ऐसे में बजट सत्र के दौरान कई ऐसी तस्वीरें भी सामने आ रही है जो लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर रही है। ऐसा ही कुछ बुधवार सुबह संसद में देखने को मिला, जब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया साइकिल पर सवार होकर संसद भवन पहुंचे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को साइकिल चलाता देखकर हर कोई चौंक गया। ANI द्वारा ट्वीट वीडियो में साफ दिख रहा है कि स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया साइकिल चलाकर संसद भवन पहुंचे हैं। दवा निर्माता कंपनी जायडस ने भारत सरकार को अपनी 3 खुराक वाली कोविड-19 वैक्सीन ZyCoV-D की आपूर्ति शुरू कर दी है। कंपनी ने एक बयान में यह भी बताया है कि जायडस निजी बाजार में वैक्सीन उपलब्ध करवाने की योजना बना रही है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक फैसले को खारिज करते हुए कहा कि दोषी सिद्ध बिना पुष्टि के केवल मृत्यु पूर्व दिए गए बयान के आधार पर हो सकती है। मामले में हाई कोर्ट ने आग लगाकर एक महिला को मार डालने के आरोपित उसके ससुर और देवर को बरी कर दिया है। शीर्ष अदालत ने महिला के जान गंवाने से पहले के बयान पर भरोसा करते हुए जो एक मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज किया गया था निचली अदालत के फैसले को सही ठहराया है। उसने दोनों आरोपितों को दोषी ठहराया था और आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में आम बजट के दौरान हर वर्ग के नागरिकों के मानसिक स्वास्थ्य की चुनौतियों का सामना करने की बात स्वीकार करते हुए लोगों को बेहतर मानसिक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने की घोषणा की है। वित्त मंत्री ने इसके लिए राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम लॉन्च करने के साथ ही देशभर में 23 टेलीमेडिसिन मेंटर हेल्थ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च करने की घोषणा की है। अगले वित्त वर्ष में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2022-23 में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 80 लाख गरीबों को पक्का घर मिलेगा। सभी जरूरी सुविधाओं के युक्त इन पक्का मकानों के लिए सरकार ने बजट में 48,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, जिसको लेकर के बीते दिन काफी हलचल देखने को मिली। तेजी में बढ़ती अर्थव्यवस्था के हिसाब से एक उन्नत और विश्वस्तरीय ढांचागत सुविधा स्थापित करने को लेकर के आम बजट 2022-23 में एक बार फिर से आगे की राह दिखती नजर आ रही है। सरकार ने इस बजट के जरिए फिर से स्पष्ट किया है कि पिछले वर्ष घोषित पीएम गति शक्ति की ही तरह इस बार ढांचागत सुविधाओं के विकास का आधार होगा। सड़क, रेलवे, एयरपोर्ट, बंदरगाह, मास ट्रांसपोर्ट, जलमार्ग और लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर को 7H इंजन के तौर पर चिन्हित किया गया है, जिसको लेकर नीतिगत जोर काफी ज्यादा रहेगा।
कोरोना काल के अनुभवों और देश के बड़े हिस्से में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं की कमी को देखते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने बजट में स्वास्थ्य ढांचे को डिजिटल बनाने का बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि स्वास्थ्य सेवाओं को सर्व सुलभ और सहज बनाने के लिए देश में डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम तैयार किया जाएगा और इसके लिए जल्द ही एक ओपन प्लेटफॉर्म को चालू किया जाएगा। वायुसेना में महिला फाइटर पायलट अब स्थायी तौर पर शौर्य का प्रदर्शन कर सकेंगी। सरकार ने प्रायोगिक तौर पर इसे शुरू की गई इस योजना को स्थायी बनाने का फैसला लिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसको लेकर कहा कि यह फैसला नारी सशक्तिकरण की दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सांसद कार्ति चिदंबरम को इस महीने के अंत तक विदेश यात्रा करने की अनुमति दे दी है। न्यायमूर्ति एम खानविलकर की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि आवेदक को उन्हीं नियमों और शर्तों का पालन करना होगा और इसके बाद ही विदेश यात्रा करने की अनुमति मिलेगी, जो अदालत ने पहले लगाई थी। इस पीठ में जस्टिस दिनेश महेश्वरी और सिटी रवि कुमार भी शामिल हुए थे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने बजट में हाईवे को बूस्टर डोज दे दिया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के बजट में 65% की बढ़ोतरी के साथ ही लगभग 2,00,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। यह अकेला ऐसा क्षेत्र है जिसके लिए बजट में मंत्रालय की मांग से अधिक आवंटन किया गया है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है चंद्र पासवान, नन्नू कुमार, अमित कुमार मेहता, विजय बंजारा, प्रशांत राज, मुन्ना कुमार, जितेंद्र ठाकुर, वैद्यनाथ ठाकुर, मुन्ना कुमार, अखिलेश यादव, कपिल पासवान, प्रद्युमन कुमार। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन द्वारा पेश किए गए बजट से देश को आने वाले समय में फायदा होगा या नहीं? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।